चले। हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब नियम पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स, आप सभी सुबह के 5 बज चुके हैं और आपका वोकैबुलरी डेवलपर आपके सामने आ गया है पिक्यूलियर इडियम्स और फ्रेजेस को आपके सामने लेकर। गाइज देखिए, अब तो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया है, आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं, जल्दी से बस अपने काम को स्टार्ट कर दीजिए। अपने घोड़ों को आप जो है लगाम जो है नहीं देना, उनको खुले छोड़ देना है, अपने काम को कर देना है बस। ये बात 4 महीने आप लोग मुझे दे दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो जरा एक बार अपने शेड्यूल को देख लेते हैं। कंप्यूटर में तो जरा एक बार हमें शेड्यूल दिखाइए, जो मेरे क्लासेस का शेड्यूल होता है। 5 AM होता है हमारा पिक्यूलर इडियम्स जो कि अभी चल रहा है। 4 PM पे SSC CPO प्री के लिए एक बैच चल रहा है जो कि उसका एग्जाम अभी आने वाला दिसंबर में। इसमें मैं क्या करता हूँ जानते हो, ये आपका SSC CGL के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट में अभी आपका जो प्री हुआ था 2018 का, उसका मैं सारा सॉल्यूशन इन डिटेल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। 10:30 पे वोकैब का ट्रिकोलॉजी ऑसम शो है ये आप लोगों के लिए, आप इसको देख सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव आइए गाइज, लाइव में मजा ही कुछ अलग होता है। और 11:30 भी आपका ग्रामर गन आता है, जो कि ग्रामर जो है मैं हर एग्जाम के लिए शो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। तो चारों के चारों शो आप लोग देख लीजिए, मुश्किल से आपका 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा और आपका इंग्लिश का काम आपका खत्म हो जाएगा। देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है आप लोगों की आंखों के सामने। ए हाई फ्लायर। हाई फ्लायर क्या होता है सर? ऊंचा उड़ने वाला? नो, हाई फ्लायर का मीनिंग होता है सर एक आदमी जो एम्बिशियस हो। अब आप पूछोगे सर एम्बिशियस का मीनिंग क्या होता है? एम्बिशियस होता है आपका महत्वाकांक्षी, जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, ऐसे ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? यू आर ए हाई फ्लायर। आप लोग एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आप लोग एक एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आप लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जाना चाहते हो, आप लोग WO की पोस्ट पाना चाहते हो, ऑल माई लवली स्टार्स एंड एंजल्स दे आर हाई फ्लायर्स। तो क्या हो सकता है? ए पर्सन वन हु इज एम्बिशियस एंड हैज न्यू आइडियाज। ये फोटो को आपके सामने दिखाया ताकि आप लोगों को याद हो जाए। चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड देखेंगे, वट डज इफी मीन। अगर इस शो का नाम पिक्यूलियर है तो इसका मतलब मुझे कुछ पिक्यूलियर वर्ड्स आपको देने ही देने पड़ेंगे। इफी का मीनिंग क्या होता है? इफी होता है जो सूटेबल ना हो। कंप्यूटर में होता है, जरा एक बार इसको पिक्सअप, इसको मीनिंग दिखाया जाए। फुल ऑफ अनसर्टेनिटी या नॉट सूटेबल। फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, इफी सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। नॉट सूटेबल, दिस मिल्क स्मेल्स अ बिट इफी। जब आप ये बोलते हो यार ये दूध में स्मेल आ रही है, ये दूध खट्टा है, या ये दूध जो है अभी स्टेल हो गया है, अब काम का नहीं रहा, आज के बाद सेंटेंस बोलिए दिस मिल्क स्मेल्स अ बिट इफी। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा, ये सेंटेंस समझ में आया होगा। जल्दी से फटाफट अगर ये समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए, लाइक रुकना नहीं चाहिए। जो बच्चा भी आज नया आया है एसएससी अड्डा पे, उसका स्वागत है। और फटाफट एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड नंबर 3 आपके सामने, फ्रेज नंबर 3 क्या हो जाएगा? ए टक शॉप। टक शॉप का मीनिंग क्या होता है? ऑलरेडी इस वर्ड को मैं करा चुका हूं। और टक शॉप का मीनिंग होता है क्या? एक ऐसी शॉप जहां पर आप लोग, यू कैन से, जहां पर आप कुछ आप ड्रिंक करते हो, आप लोग वहां पर चाय पी सकते हो, आप लोग वहां पर कोल्ड ड्रिंक पीते हो। अगर मैं बात करूं जो स्कूल और कॉलेजेस जो होते हैं उसमें जो छोटी सी दुकान बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको टक शॉप बोलते हैं। हमारे यहां पे भी है। तो कंप्यूटर से जल्दी से जरा एक बार दिखाया जाए टक शॉप का मीनिंग क्या होता है। अ प्लेस इन अ स्कूल या कॉलेज वेयर स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स दे आर सोल्ड। ये इस पिक्चर से आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये आपके तीनों के तीनों वर्ड्स थे, मुझे अच्छा लगा कि आपको ये पसंद आए होंगे। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज आप लोग हमारे मैसेंजर्स हो, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम को 4 बजे SSC CGL के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ मैं आपको मिलूंगा इसी SSC अड्डा पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। इसमें तो कोई टेक भी नहीं है।